अस्सलामु अलैकुम। जमात पंजूम मजमून फुनून लतीफा ड्राइंग। आज हम ड्राइंग के जरिए ब्रश पेंटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए हमें लगने वाली चीजें पोस्टर कलर और जो बेकार ब्रश होता है जो हमारे घर में होता है वो ब्रश, कैंची, मार्कर पेन, थोड़ा सा पानी और कुछ ड्राइंग पेपर। ड्राइंग पेपर्स के ऊपर हमें जो पसंद है वो शेप बना लेंगे। मैं मछली बना रही हूँ, तुम भी बना सकते हो, तोता, बतख, फूल, मछली, गमला। इस तरह से मैंने पहले एक मछली बना ली हूँ। इस मछली को बनाने के बाद कैंची से काट लेना है। मैंने पहले से ही इस तरह की एक मछली काट कर रखी हूँ। इस मछली को हम ड्राइंग पेपर के ऊपर रखेंगे और जो हमें पसंद हो वो पोस्टर कलर लेंगे। ये काम बहुत ध्यान से करना है हमें। ब्रश के जरिए थोड़ा सा रंग निकालना है डिश में और ब्रश में ज्यादा पानी ना रहे ये ख्याल रखें। ब्रश का पानी रंग अच्छी तरह से निकाल लेंगे। जैसा कि हम उस ब्रश को उंगली से छिड़केंगे तो उसका ज्यादा पानी पेपर पर ना गिरे ये ख्याल रखें। उंगली की मदद से उसे उस ब्रश से रंग को छिड़कते रहेंगे। ड्राइंग की चारों तरफ हमें कलर को छिड़कना है। ध्यान रहे ब्रश में कम रंग लें, थोड़ा थोड़ा रंग ब्रश में लेना है और उसे उंगली की मदद से पेपर पर छिड़कना है। मछली के चारों तरफ बराबर हम रंग छिड़केंगे उंगली की मदद से। ध्यान रहे सब तरफ बराबर रंग छिड़कना है हमें। ये अमल हम बार बार करेंगे जिससे मछली पूरी तरह ढक जाए रंग के जरिए। और इसे सूखने रखेंगे या किसी एहतियात से उसके ऊपर से जो हमने काटी हुई मछली थी उसे उठा लेंगे। देखा आप लोगों ने, इस तरह से हमारी मछली तैयार हो गई है। हमें इसे कुछ वक्त के लिए सूखने रखना है। हम चाहे तो मार्कर के जरिए उसके अंदर आग बना सकते हैं, उसके खोल बना सकते हैं। इसी तरह से मैंने बहुत से शेप्स काट कर रखी हूँ जो मैं आपको अभी बताऊंगी। दरख्त, बतख, फूल, तुम भी अपनी मर्जी चाहे तो हर अलग अलग शेप काट सकते हो। देखो ये हमारी पहले से बनाकर रखी हुई मछली जो सूखी हुई है अभी। ये बतख लग रही है ना खूबसूरत। दरख्त और ये फूल। इस तरह से हम ब्रश पेंटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें बेकार ब्रश और पोस्टर कलर की मदद होती है। इन्हीं के जरिए हम ये ड्राइंग बनाते हैं। थैंक यू।